स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में कुल्फी के किरदार को जितना खूबसूरत दिखाया गया है, उतनी ही खूबसूरत आकृति शर्मा रियल लाइफ में भी है। उतना ही खूबसूरत है आकृति का दिल भी। आपको बता दें कि आकृति शर्मा बीते दिन अपनी एक फैन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़ी, लेकिन ये आकृति की कोई नॉर्मल फैन नहीं थी। ये फैन है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ मुंबई में अकेली रहती हैं। पिछले कई सालों से वो अकेली ही रह रही हैं। एलिजाबेथ की यूं तो दो बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई है और दोनों सेम ही शहर में अपने अपने पतियों के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। जहां एलिजाबेथ को अपने बेटियों से मिलने की इच्छा जतानी चाहिए थी, वहीं एलिजाबेथ कुल्फी से मिलना चाहती थी। दरअसल एलिजाबेथ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ है और डॉक्टर्स ने उन्हें पूरे तरीके से बेड रेस्ट करने को कह दिया है। एलिजाबेथ को हॉस्पिटल उनके पड़ोसी लेकर आए। पड़ोसियों ने ये बताया है कि एलिजाबेथ की डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल हो गई है। इसके साथ साथ पड़ोसियों ने ये भी बताया है कि हमें नहीं लगता कि वो ज़्यादा समय तक बच पाएंगी। अपनी इस फैन एलिजाबेथ से मिलने के लिए कुल्फी ने ज़रा भी समय नहीं लगाया। कुल्फी एलिजाबेथ के पास हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एलिजाबेथ से जुड़ी। कुल्फी ने एलिजाबेथ से लंबे समय तक बात की। एलिजाबेथ को लगता है कि कुल्फी से बात करके उनकी तबीयत में सुधार आएगा और वो पहले से बेहतर हो जाएंगी। वहीं एलिजाबेथ से बात करने के बाद कुल्फी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुल्फी का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतना प्यार मिलेगा। नन्ही सी कुल्फी ने कहा कि मैं दुआ करती हूँ कि एलिजाबेथ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फाइनल कट की पूरी टीम भी एलिजाबेथ की रिकवरी की दुआ करती है। फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क। मनोरंजन से लेकर राजनीति तक, अजब गजब से लेकर ऐतिहासिक तक, हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।